हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमें कलश यात्रा करनी है उत्तरायणी की, उसमें उत्तरायणी का प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे, तो हमको करनी है कलश यात्रा। तो मैं सुबह सुबह नहा हूँ फटाफट काम करके, तो अभी फ्री हुई हूँ थोड़ा सा, तो मैंने कहा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट मैं नहा के बाहर आई हूँ, और आज मैंने सोचा था बिना स्वेटर के जाएंगे, क्योंकि भाई साहब 10 दिन से इतनी खतरनाक धूप आ रही है ना कि धूप भी नहीं सेकी जा रही। और आज का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ, इतना भयंकर धुंध हो रखे ना ठंड के मारे, आज मुझे लगता है हवाइयाँ निकल जाएंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देख लो इतनी धुंध हो रखी है। मैंने सोचा था स्वेटर नहीं पहनूंगी, और हवा चल रही है अब इस धुंध में, तो भाई साहब ठंड के मारे तो कुकड़ी जम जाएगी। फटाफट से फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि 9 बजे का टाइम है और ऑलमोस्ट अब 8 बज चुकी है। तो मैं फटाफट रेडी हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। उसमें हमें आज पहननी है पीली साड़ी और पूरा गेटअप लेना है गढ़वाली यानी उत्तराखंड का। तो मैं आज नथ भी पहनूंगी, ग्लोबन भी पहनूंगी, पिछौरा भी लूँगी। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। तो ये पहनने हैं मैंने ग्लोबंद, ये मेरी नथ होगी, ये मांग टीका, और ये मेरी येलो साड़ी जो मैंने पहननी है, और ये है मेरा पिछौरा। तो अब चलो फटाफट से रेडी आती हूँ और इनको कैरी कर लेती हूँ, फिर रेडी होने के बाद में। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ गढ़वाली लुक में। तो चलिए फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सारे रेडी हो गए बद्रीनाथ के मंदिर में जाने के लिए, कलश यात्रा के लिए। तो वहीं से हम कलश उठाएंगे ना सारे। हाँ। तो चलो, ये अभी पलटन हमारी गली की है, बाकी आगे बहुत सारे मिलेंगे। तो चलो चलते हैं, आ जाओ। हम पहुंच गए बद्रीनाथ मंदिर, और ये सारे सब तो उतार। चलो बद्रीनाथ मंदिर में सारी लेडीज पहुंच गई है, सबको सब। तो यहाँ पे कलश रखे हुए हैं, यहाँ सबके अपने अपने कलश रखे हुए थे, ये एक दिन पहले जमा करे थे यहाँ पे। तो सबके नाम की चिट लग रखी है ना, बाबा ना। तो यहाँ पे सबके नाम की चिट लगी हुई है, यहाँ पे कोई मेरा कलश भी होगा मेरे नाम का, गुजारण का कलश। अब सबके कलश, सब जब सब आ जाएंगी लेडीज, सबको सबके कलश दे दिए जाएंगे। और अभी मंदिर में भीड़ होगी, तो यहाँ पे चुनरी पाती जा रही है माताओं की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। Come on, Johnny!
कलश यात्रा पूरी, तब हम जाएंगे और अपने अपने कलश मंदिर में जमा कराएंगे ना। कल मिलेंगे हम, तो फिर अब हमें कल मिलेंगे, कल सुबह हम घर जाएंगे। अब हम पहुंच गए मंदिर में और आज अब हम थोड़ा पीछे हो गए, थक गए घूम घूम के। देखो आगे में रखना था कलश, बट अब जहाँ पे मंडान लगा हुआ है, काल त्रेणी का जहाँ पे प्रोग्राम होगा वहाँ पे रखना है कलश। चलो तो यहाँ पे क्या हुआ है आयोजन, यहाँ सब कुछ तो ये लोग आ रहे हैं पीछे से, पीछे से मतलब पीछे आ रहे थे ना हम लोग। अच्छा, अब ये पूरा मंडान आगे जा रहा था। तो हम लोगों ने कलश यात्रा कर लिया, डांस गाना भी कर लिया और अब हम जा रहे हैं घर या आभूषण उतारने के लिए। उसके बाद जिसको कपड़े चेंज करने कपड़े चेंज करेगा, जिसको कपड़े चेंज करने वो कपड़े चेंज करेगा, वरना हम लोग यही कपड़े पहन कर आएंगे और ये आभूषण चेंज कर कर आएंगे, क्योंकि घर रहा होना चाहिए। और ये भैया भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है? और अपने सारे रामलीला कमेटी वालों को बोलना कि उसको सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, ठीक है? चलो तो अब हम घर से निकल गए दोबारा, जहाँ पे उत्तरायणी का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ जाने के लिए। तो बनी को रेडी किया था और अपनी नथ वगैरह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नथ वगैरह मैंने चेंज की थी। तो चलो अब चलते हैं प्रोग्राम देखने। तो अब हम पहुँच गए, ये मसूबाज वाले जो सुबह बजा रहे थे हमारी कलश यात्रा में, अब प्रोग्राम भी शुरू हो गया। और यहाँ पे लिम्बे वगैरह भी लगा रखे हैं और कपड़े भी हैं सेल के लिए, और गाँव की दाल वगैरह भी रखी है, गैस वगैरह सब कुछ, बोलो हाथ ही लगाना। साड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, अखरोट वगैरह, गुड़ वगैरह, अरसे, ये अरसे हैं, अरसे हैं, ये अरसे भी है। और यहाँ पे नया ग्लोबन वगैरह सब रखे हुए हैं। भैया मिले हैं ब्लॉगर यूट्यूब पे, यहाँ पे हमें आज इनकी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, बिल्कुल पहाड़ी बारी करके, पहाड़ी बारी, ओहो पहाड़ी बारी, सब लोग सब्सक्राइब कर दिया हो, पहाड़ी बारी पहाड़ी बारी बारी करने बिल्कुल
तो फ्रेंड्स उत्तरेणी का प्रोग्राम हमने कर लिया एंजॉय। तो अब हो गया रात, टाइम हो गया खाना पकाना है, तो अब मैं चलती हूँ घर और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।